इस टाइम पे आपको मार्केट पर बहुत सारे ढेर सारे ब्रांड के ढेर सारे लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, बट इनमें से कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जिसका बेस्ट है, कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगी। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी के लिए 5 बेस्ट लैपटॉप चुन चुन के निकाला है, जो सारे लैपटॉप एकदम बेस्ट क्वालिटी का लैपटॉप है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जिसका गुड है, और यहाँ पर जिसका वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है सभी, और स्टूडेंट के लिए तो ये लैपटॉप बेस्ट है। आप इनमें से किसी भी एक लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं। सभी लैपटॉप की परचेस लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके जानते हैं सभी लैपटॉप के बारे में, कौन से लैपटॉप पर कौन सा फीचर है, कौन सा लैपटॉप कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, सब कुछ मैं बताऊंगी इस वीडियो पर। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर टेक्निकल ज्योति नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। सबसे पहला जो लैपटॉप है वो आता है डेल ब्रांड की तरफ से, डेल इंस्पिरन 3501। इस लैपटॉप पर आपको प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इस लैपटॉप पर आपको 10th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर मिल जाता है। इस लैपटॉप पर आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ मिल जाएगा, साथ ही आपको MS Office 2019 भी मिल जाएगा। इस लैपटॉप पर आपको इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएगा, और इस लैपटॉप पर आपको 8GB DDR4 रैम और 1TB का हार्ड ड्राइव सटा हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप पर आपको 15.6 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाएगा जो एंटी ग्लेयर बैकलिट डिस्प्ले है, और ये लैपटॉप एक नॉन टच डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। दूसरे नंबर पर जो लैपटॉप है वो आते हैं HP ब्रांड की तरफ से, HP पेविलियन X360। तो ये जो लैपटॉप है ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप है, और इस पर आपको 11th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर मिल जाता है। इस लैपटॉप पर आपको 14 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इस लैपटॉप पर आपको 8GB DDR4 रैम मिल जाता है, 256GB का आपको SSD मिल जाता है, और ये जो लैपटॉप है इस लैपटॉप पर आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, और इस लैपटॉप पर जो बैटरी है कंपनी ये डिमांड करता है कि इस लैपटॉप पर आपको मिनिमम 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सो आई डोंट नो अभी कितना बैटरी बैकअप आपको इस पर मिल सकता है। इस लैपटॉप पर ग्राफिक्स कार्ड की अगर हम बात करें तो इस लैपटॉप पर आपको इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर डला हुआ है, साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ओपिस 2019 भी मिल जाएगा। तो ये भी लैपटॉप एक बेस्ट लैपटॉप है स्टूडेंट के लिए। तीसरा जो लैपटॉप है वो आता है लेनोवो ब्रांड की तरफ से, लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 5। तो ये जो लैपटॉप है ये लैपटॉप 11th जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर पे चलता है, और इस लैपटॉप पर आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ मिल जाएगा, साथ ही आपको MS Office 2019 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इस लैपटॉप पर आपको 8GB DDR4 रैम मिल जाएगा, साथ ही आपको 256GB का SSD मिल जाएगा। इस लैपटॉप पर आपको 250 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा, साथ ही आपको इस लैपटॉप पर इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएगा, और ये भी लैपटॉप एक फर्स्ट चार्जिंग लैपटॉप है और एक टच स्क्रीन लैपटॉप है, और ब्रांड का ये डिमांड है कि ये लैपटॉप 7 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको दे देगा, साथ ही ये लैपटॉप 80% चार्ज सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में हो जाएगा। ये ब्रांड का डिमांड है, मुझे नहीं पता है कि कितना चार्ज कितने आवर में होगा, बट ये भी एक बेस्ट लैपटॉप है इसलिए मैंने इस लिस्ट पर इसको इंक्लूड किया है। आप लोग चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक की मदद से। लिस्ट में फोर्थ जो लैपटॉप है वो आता है आसूस की तरफ से, आसूस वीवो बुक अल्ट्रा 15। तो ये जो लैपटॉप है ये 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ चलता है, और इस लैपटॉप पर आपको 8GB का DDR4 रैम एंड आपको 1TB का HDD मिल जाएगा। ये जो लैपटॉप है इस लैपटॉप पर आपको इंटेल का आईरिस XE ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, और ये लैपटॉप एक नॉन टच डिस्प्ले वाला लैपटॉप है जिस पर आपको 15.6 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, और ये लैपटॉप भी एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इस पर आपको विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ मिल जाएगा, साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये भी लैपटॉप एक लेटेस्ट लैपटॉप है जो 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ चलता है। आप चाहो तो इसको भी परचेस कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन पर इसका भी लिंक दिया हुआ है। और मेरी लिस्ट की 5th पोजीशन पर मैंने जिस लैपटॉप को रखा है, ये लैपटॉप HP ब्रांड की तरफ से आने वाला एक लैपटॉप है जो बहुत ही बजट फ्रेंडली लैपटॉप है और स्टूडेंट के लिए बहुत ही कमाल का लैपटॉप है। ये लैपटॉप है HP 15S।
अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो इस लैपटॉप पर आपको इंटेल सेलेरियन N4020 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इस लैपटॉप पर विंडोज 10 होम एडिशन का सपोर्ट मिलता है। 4GB रैम DDR4 रैम आपको मिलता है, साथ ही 1 TB का आपको सटा हार्ड डिस्क ड्राइव भी देखने को मिल जाता है। तो ये लैपटॉप एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप है और स्टूडेंट के लिए बहुत ही कमाल का लैपटॉप है, इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को मेरे लिस्ट पर इंक्लूड किया है। तो आप लोग चाहो तो इस लैपटॉप को भी परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है, 30-35 हज़ार के अंदर अगर आपका बजट है, तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो पर मैंने आप सभी को ऐसे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप बताया है जो आप लोग अभी के इस टाइम पे परचेस कर सकते हो। बेस्ट लैपटॉप है, सभी लैपटॉप कमाल का लैपटॉप है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।